हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आईना टीवी में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में सैफुल इस्लाम के बारे में आपको बताने वाले हैं। सैफुल इस्लाम जो कि लीबिया के साबिक हुक्मरान कर्नल कजाफी का बेटा था, उनका अंजाम किस तरह दर्दनाक हुआ, सबसे पहले उनके अय्याशियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, वो कहा जाता है कि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक वीरान सी जगह पर वाकया कंडर नुमा मकान से 19 नवंबर 2011 को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो उस कमरे में तकरीबन पिछले 5 या 6 माह से छुपा हुआ था। वो शदीद ज़ख्मी और बीमार था। कमरे की हालत इतना खस्ता थी कि इसमें तो कोई रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम भी मौजूद नहीं था और ना ही कमरे में ताज़ा हवा आने का कोई रास्ता मौजूद था। यहाँ तक के कमरे में बाथरूम तक की सहूलत भी मैसर नहीं थी। उस शख्स का खाना पीना, सोना वगैरह सब कुछ उसी कमरे की चार दीवारी के अंदर ही महदूद था। जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो उसकी हालत देखकर उसे लगता था जिसे वो कई दिनों से भूखा प्यासा हो और कई हफ्तों से नहाया हुआ भी नहीं है। उस कमरे में तकिया और कम्बल उस कदर गंदा और बदबूदार था कि उसको इस्तेमाल करना तो दूर की बात, देकर ही गिन आ रही थी। गंदे और बदबूदार कंबल में लिपटा हुआ जो शख्स गिरफ्तार हुआ, वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था, वो सैफुल इस्लाम था, बल्कि कुछ अरसे पहले तक वो दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी था। उसका शुमार दुनिया के चंद बासर और अमीर तरीन लोगों में होता था। वो इंतहाई आसाइश की ज़िंदगी गुजारता था और अपनी अय्याशियों पर करोड़ों डॉलर कुछ सेकेंड में ही खर्च कर देता था। एक बार लंदन में वो अपनी कार में सफ़र कर रहा था कि सफ़र के दौरान ही उसे शुमाली लंदन का एक खूबसूरत घर पसंद आ गया और उसने घर ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन घर का मालिक घर बेचने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उसने ज़िद की कि घर की डबल कीमत अदा करके वो घर ख़रीदेंगे और वहीं खड़े होकर 1 करोड़ ब्रिटिश पाउंड का वो घर ख़रीद लिया, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपये बनती है। 2009 में उसने अपनी 37वीं सालगिरह मनाई, जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों ने शिरकत की, जिनमें रूस के अल्बेनियन टाइकून, सोने की कानों के मालिक पीटर मंग, प्रिंस ऑफ मोनाको अल्बर्ट जैसी दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। और यह सालगिरह अब तक की दुनिया की सबसे महंगी तरीन सालगिरह शुमार की जाती है। ये शख्स इंतहाई महंगी पेंटिंग ख़रीदने का शैदाई था। उसने अरबों डॉलर मालकियत की पेंटिंग को अपने महल की जीनत बनाया हुआ था। 2006 में उसे इसराइल की अदाकारा ओरली वेनरमैन से इश्क हो गया। उसने उसे अपनी महबूबा बनाने के लिए उसके गिर्द दौलत के अंबार लगा दिए। चुनाचे ओरली वेनरमैन इसकी गर्लफ्रेंड तो बन गई और ये दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का वो बेस्ट फ्रेंड था और बरतानवी शाही ख़ानदान उसे कई बार बकिंगम पैलेस और वेस्ले कैटल में लंच और डिनर दिए थे। ये लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की ज़िंदगी गुजारता था और इसे दुनिया जहान के कानून तोड़ने में वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। उसने एक बार पेरिस की सेंजलाइज स्ट्रीट पर 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर पूरी यूरोपीय दुनिया को हैरान कर दिया और पेरिस की सिटी हुकूमत भरपूर कोशिश के बावजूद उसका चालान तक न कर सकी। अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का यह शख्स सरबराह था और यह अथॉरिटी इतनी पावरफुल थी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त $10 बिलियन तक की सरमायाकारी कर सकती थी और ये एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसी शान शौकत से ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स जो 19 नवंबर 2011 को एक छोटे से बदबूदार कमरे में बदबूदार कंबल में लिपटा हुआ गिरफ्तार हुआ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सैफुल इस्लाम ही था। दुनिया के तीसरे नंबर पर तेल से मालामाल मुल्क लीबिया के साबिक हुक्मरान कर्नल कजाफी का बेटा था। वो कजाफी का जानशीन और लीबिया का वली अहद था। यह अपने वक्त में लीबिया का दूसरा बाअसर तरीन आदमी था। यह इतना बाअसर और पावरफुल था कि कर्नल कजाफी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने के लिए भी उसी ने कायल किया था। सैफुल इस्लाम इस वक्त लीबिया की मौजूदा हुकूमत की कैद में है और मौत से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो सैफुल इस्लाम जिसका एक कदम लीबिया में तो दूसरा लंदन या पेरिस में हुआ करता था, जिसके लिए पेरिस की बड़ी बड़ी कंपनियां ख़ास किस्म के खसूसी परफ्यूम्स तैयार करती थी, वही सैफुल इस्लाम जो कुछ अरसे पहले तक मलका बरतानिया का शाही मेहमान बनता था। लेकिन आज पूरी दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क उसे पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। वो सैफुल इस्लाम जिसके लिए लंदन और पेरिस में खसूसी लंच और डिनर का अहतमाम किए जाते थे, आज उसे एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है।
एक लम्हे के अंदर 1 करोड़ पाउंड में घर खरीदने वाले के पास आज सर छुपाने के लिए एक छत तक मयसर नहीं है। जिसके कल तक दुनिया के अरबपति लोग बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, आज वही बेयारो मददगार मदद के लिए दुआया लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सैफुल इस्लाम पलक चपकते ही अरश से फर्श पर आ गया और बादशाह से फकीर हो गया, क्योंकि वो लोग जो खुदा को भूल जाते हैं और ख़ुद को खुदा तसव्वुर करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों पर एक न एक दिन अल्लाह ताला का अजाब कहर बनकर नाजिल होता है, जिसे कोई बच नहीं सकता। ऐसे हुक्मरान जो इक्तदार को ही सब कुछ समझ लेते हैं और इक्तदार के नशे में धुत होकर ये ख्याल करते हैं कि उनके इक्तदार का सूरज कभी ग़ुरूब होने वाला नहीं है और इनके मुकद्दर का सितारा हमेशा ही चमकता रहेगा, तो ऐसे हुक्मरानों से सैफुल इस्लाम की कहानी चीख चीख कर ये कह रही है कि अवाम का एतमाद खो देने वाले बेहिस और ख़ुद को खुदा तसव्वुर करने वाले हुक्मरानों का एक न एक दिन ऐसा ही दर्दनाक और भयानक अंजाम होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।